नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस के हस्तक्षेप पर एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से शादी रचानी पड़ी। दोनों का प्रेम फेसबुक पर परवान चढ़ा था, लेकिन बाद में प्रेमी की शादी से इनकार करने लगा। मजबूरन प्रेमिका को पुलिस से शिकायत करनी पड़ी। पुलिस के हस्तक्षेप पर मामला सुलझा और प्रेमी ने एक मंदिर में प्रेमिका से शादी कर ली। मामला गाजीपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र का है। गाजीपुर शहर के झुंझुला चौराहे पर रहने वाले युवक विशाल की दिल्ली में रहने वाली पूजा से फेसबुक पर एक वर्ष पूर्व दोस्ती हुई। फेसबुक पर चैट के दौरान दोनों की दोस्ती में जल्द ही प्रेम प्रसंग की शक्ल अख्तियार कर ली। फेसबुक पर प्रेम प्रमाण चढ़ा तो दोनों कई बार मिले और दोनों के बीच संबंध गहरे होते चले गए, लेकिन प्रेमिका ने जब युवक से शादी की बात की तो उसने इनकार कर दिया। वजह यह कि एक साल पहले मुझे प्यार हुआ था, फिर मैंने इनसे बोला, हमारे बीच में कई बार रिलेशन बना, मैंने बोला हमें शादी कर लेना चाहिए, पर ये इग्नोर कर रहे थे। फिर मैंने पुलिस की हेल्प ली, फिर उन्होंने मुझे महिला थाना भेजा, फिर महिला पुलिस से मेरी हेल्प की, शादी करवाई फेसबुक से 2018 में। अपने ससुराल मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अपने ससुराल वालों का दिल जीतूंगी। आई होप कि वो इम्प्रेस हो जाए मुझसे। जरा बताएं कुछ। 2018 में इनसे प्यार हुआ था, उसके बाद ये यहाँ पे आई शादी के लिए महिला कोतवाली में, उसके बाद यहीं से सब हुआ है फेसबुक से। शादी के लिए प्रेमी के इनकार के बाद युवती ने पुलिस का सहारा लिया और गाजीपुर पुलिस ने मामले की शिकायत की। पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका दोनों को महिला थाने बुलाया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों ने वाराणसी के एक मंदिर में शादी रचाई और गाजीपुर का सर्टिफिकेट लेकर दोबारा पुलिस के पास पहुंचे। इन लोगों का फेसबुक पर प्यार हुआ था। ये लड़की दिल्ली की रहने वाली है। यहाँ पे सीओ साहब के यहाँ की एप्लीकेशन दी थी, सीओ साहब हमारे पास भेजे थे। इसका शादी के लिए लड़का को बुलाया गया, लड़का कल शादी किया है, ले होकर अब थाने पर आया है, विदाई कराई जाएगी। आज बुलाया गया था थाने में, हंसी खुशी से है, सही से रह रही है। लड़का भी कह रहा है कि हम ले जाएंगे। फेसबुक पर प्रेम प्रसंग के में बधे इस युगल को इस हस्तक्षेप के बाद शादी का मुकाम हासिल हो गया है। पुलिस टीम ने शादी के बाद इस युगल को सुखद भविष्य की शुभकामना देते हुए विदाई की। गाजीपुर से एएस न्यूज़ के लिए आरिफ।